तो गाइस मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट दिया था, तो अगर इस वीडियो पे 800 लाइक्स आ जाते हैं 5 दिनों में तो ये जो 49 की वाला मिडी कीबोर्ड है मैं इसको गिव अवे करूंगा, और अगर 1500 लाइक्स आ जाते हैं तो ये जो 61 की वाला मिडी कीबोर्ड है मैं इसको गिव अवे करूंगा विनर। तो क्योंकि उस वीडियो पे 800 लाइक्स क्रॉस हो गए थे इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि जो आर्टूरिया का 49 की वाला मिडी कीबोर्ड है मैं उसको गिव अवे करूंगा। तो इनकेस अगर आप लोग इस मिडी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो मेरा बहुत मन था कि मैं इन दोनों मिडीज को गिव अवे कर पाऊं, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं चाहता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट और ये जो गिव अवेज हैं वो साथ साथ चलें। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इस बार के कॉन्टेस्ट में जिसको भी फर्स्ट पोजीशन मिलेगी उसको मैं मिडी तो दूंगा, लेकिन जिसको भी सेकंड पोजीशन मिलेगी उसको मैं मेलोडाइन 5 स्टूडियो का लाइफ टाइम लाइसेंस दूंगा। क्योंकि एक प्राइज में कहीं ना कहीं उतना मजा नहीं आता, लेकिन दो प्राइज में आपको एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दिखती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इंडस्ट्री लेवल का एडिट करना है तो आपके पास मेलोडाइन तो होना चाहिए, और अगर लाइसेंस्ड हो तो और भी अच्छा। तो इस बार का टास्क बताने से पहले सबसे पहले वो जो ट्रैप ट्रा वाला कॉन्टेस्ट था उसके रिजल्ट्स को मैं अनाउंस कर देता हूँ। बिकॉज अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने 6 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था जिनके मैंने प्रोजेक्ट्स मंगवाए थे अपनी मेल पे। तो अब अगर हम लोग रिजल्ट्स की बात करें तो एक्चुअली जो थर्ड पोजीशन है वो कहीं ना कहीं शेयर हो रही है वारेन और शशांक सौदा के बीच में, क्योंकि वारेन का जो कॉन्सेप्ट था मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो जैज प्रा वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि वो आइडिया तो बहुत यूनिक था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हो सकता था। वेराज अगर मैं शशांक की बात करूं तो इनकी भी एंट्री काफी क्रिएटिव थी, जिस तरह से इन्होंने वो जो बीट बॉक्सिंग को यूज किया था गाने के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो गाना था वो मेरे को थोड़ा सा रेपिटेटिव लगा, और मेरे को लगा कि थोड़ी सी मूवमेंट और क्रिएट हो सकती थी। उसके बाद अगर सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो मिलती है प्रोयश को। अगेन इनका अरेंजमेंट काफी क्रिएटिव था, जिस तरह से इन्होंने स्विच किया अलग अलग जॉनराज में अलग अलग फील में। प्लस इन्होंने काफी सारे लूप्स और सैंपल्स तो यूज किए थे लेकिन उनको काफी क्रिएटिव वे में यूज किया, अपने तरीके से यूज किया, दैट इज द रीजन इनको सेकंड पोजीशन मिली। और जो फर्स्ट प्राइज है, फर्स्ट पोजीशन है जिनको फ्लूइड ऑडियो का एक्सेस माइक्रोफोन भी मिलता है, उनका नाम है डोपोमैन। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल 4 ऑफ यू, एंड स्पेशली वो लोग जिनके नाम टॉप 6 में शॉर्टलिस्ट हुए थे, एंड उसके बाद वो भी लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बिकॉज अगर मैं आप लोगों को एक सच बात बताऊं तो मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल इंसान वो नहीं है जो कि बेस्ट है जो भी वो काम कर रहा है उसमें, बल्कि वो जो कहीं ना कहीं रोज ग्रो कर रहा है, जो कहीं ना कहीं रोज अपनी कमियों पे काम कर रहा है। तो जिन भी लोगों का मैंने नाम अनाउंस किया है वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेज दो मेरे को, ताकि मैं आप लोगों को अपडेट कर पाऊं कि कब हम लाइव सेशन रख रहे हैं रफ्तार पाजी के साथ। और डोपोमैन अपना एड्रेस भी शेयर कर देना ताकि आपका प्राइस मैं डिस्पैच कर पाऊं। अब अगर हम लोग जुलाई के मंथली कॉन्टेस्ट की टास्क की बात करें तो एक मराठी गाना है जिसको मैंने कुछ टाइम पहले मिक्स किया था। एक्चुअल में इस गाने का जो प्रोडक्शन है वो मेरे एक स्टूडेंट ने किया था, एंड ट्रस्ट मी जब मेरे को इसका एक ड्राफ्ट आया था तब मुझे ये गाना इतना पसंद आया, और कहीं ना कहीं मैं इमेजिन कर पा रहा था उस गाने के सोनिक्स कितने बेटर हो सकते थे, दैट इज द रीजन मैंने इसको मिक्स करने का डिसाइड किया। तो आप लोगों का टास्क बहुत ही सिंपल है, इस गाने का एक वर्स और हुक मैं आप लोगों को दूंगा इंक्लूडिंग ऑल द म्यूजिक स्टेम्स, और आपको उसको सिंपली मिक्स करना है। मिक्सिंग के लिए आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं रिलीज वर्जन से कि प्रोड्यूसर कैसा बैलेंस चाहते थे, बट डेफिनेटली आपके पास फुल क्रिएटिव फ्रीडम है और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग उस वर्जन से बेटर बनाए। तो इस गाने की मल्टी ट्रैक्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इनके अगर आप लोग ओरिजिनल गाना सुनना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो रूल्स हमारे वही हैं, आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे अपनी एंट्रीज को अपलोड करना है, और आपको 3 अकाउंट्स को टैग करना है, एक आर्टूरिया का अकाउंट, एक दी इन्वेंट्री का अकाउंट, और एक मेरे अकाउंट को, और उसी के साथ साथ 2 हैशटैग्स यूज करने हैं, हैशटैग मिक्स विद वासुदेव एंड हैशटैग राइट आर्मी, और लास्ट डेट इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने की है 30 जुलाई। सो विश यू गाइस अ वेरी गुड लक, मे द बेस्ट पर्सन विन। भाई अगर तूने मेरे को पहले बताया होता तो 1500 छोड़ 15000 लाइक्स करवा देता मैं। अच्छा वो कैसे? रुक अभी दिखाता हूँ। क्या हाल है पुनीत भाई? ठीक है यार, एक हेल्प चाहिए थी आपसे। अच्छा, मेरे एक दोस्त को शाउट आउट दे दोगे? ठीक है समझ गया। उसको 1500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करना है वीडियो पे। साले इतने चौटे मारूंगा, इतने चौटे मारूंगा कि मार मार के साले टॉन्ट नकली कर दूंगा तेरी।